हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xiaomi कंपनी के Mi 360 डिग्री होम सिक्योरिटी कैमरा की। तो आपको ये प्रोडक्ट इस तरह के पैकेट में आप मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है इसीलिए जो पैकेजिंग इसमें यूज़ की गई है वो भी काफ़ी छोटी है। इसे खोलने से पहले इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है इसमें मोशन डिटेक्शन सेंसर लगा हुआ है। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका हाई डेफिनेशन वीडियो, यानी जब आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो इसका जो क्वालिटी होगा वो आपका 1080p होगा, यानी जो भी वीडियो रिकॉर्ड होंगे वो आपके HD वीडियोस होंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका इंफ्रारेड नाइट विजन। अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट इंफ्रारेड नाइट विजन दिया गया है इसलिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग होंगे वो भी बहुत ही साफ और अच्छे होंगे। फोर्थ इज योर टॉक बैक फीचर। इस फीचर को आप कैसे इस्तेमाल करें वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता दूंगा। तो चलिए अभी हम हमारे प्रोडक्ट को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो आप इसे इस तरह से खोलिए। तो सबसे पहली चीज जो आप देख सकते हैं वो है आपका MI का इंस्ट्रक्शन यानी कि यूजर मैनुअल। तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ ले तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप इस कैमरे को कैसे यूज करें। मैं इसे साइड में रखता हूं। दूसरी जो चीज है वो है आपका एसेसरीज जो इसके साथ आते हैं वो है। तो इसे हम खोल के देखते हैं आपको इसके अंदर कौन कौन सी एसेसरीज मिलती है। तो जैसा आप देख सकते हैं पहली जो चीज है वो है आपका USB कॉर्ड। दूसरी जो चीज है वो है आपका एडाप्टर, ये एक 5 वोल्ट का एडाप्टर है। और जो तीसरी चीज है वो है आपका वॉल माउंट एसेसरीज, यानी आप इस कैमरे को वॉल माउंट कर सकते हैं और उसके लिए जो चीजें चाहिए वो इसमें दी गई है, जैसे आपका 2 नट्स है और एक माउंटिंग स्टैंड है। तो दीज आर द 3 एसेसरीज यू गेट गाइज इन दिस कैमरा। तो पहला जो कहता है, जैसे मैंने कहा इंस्ट्रक्शन मैनुअल आप अच्छे से एक बार पढ़ ले। दूसरी जो चीज है वो है आपका USB कॉर्ड। तीसरा जो चीज है वो है आपका एडाप्टर एंड द फोर्थ आइटम इज आपका वॉल माउंट एसेसरीज। तो चलिए अब हम हमारे कैमरे को खोलते हैं और देखते हैं। सो दिस इज द कैमरा गाइज, अंदर है अभी, मैं इसे अभी बाहर निकाल रहा हूं। तो आपको ये कैमरा इस तरह के पैकेट में मिलता है, काफी अच्छी से पैकेट किया गया है, पैकेजिंग की गई है। तो चलिए अभी हम इसे खोलते हैं और देखते हैं। सो दिस इज द मी कैमरा गाइज, ये है आपका MI कैमरा 360 डिग्री होम सिक्योरिटी कैमरा जिसे हम कहते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इस कैमरे में आपके दो भाग हैं, एक है आपका हेड पार्ट, दूसरा है आपका बॉडी पार्ट। आपका जो हेड पार्ट है ये आपका 360 डिग्री रोटेट करता है और ये जो लेंस पार्ट है ये भी आपका ऊपर नीचे होता है। दूसरा है आपका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपको दो चीजें मिलती है, एक है आपका रिसेट बटन, अगर आपका नेटवर्क पकड़ नहीं रहा है कैमरा तो आप इसे 3 सेकंड तक दबाकर इसे रिसेट कर सकते हैं, यानी रीबूट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है आप इसमें USB केबल डालकर इसे पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहली चीज जो है इसके अंदर आपका कोई इनबिल्ट बैटरी नहीं है इसलिए अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो आपको एक कंटिन्यूअस यानी कि एक डेडिकेटेड पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी। इधर आप इसे अपने घर के पावर प्लग में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे पावर बैंक में कनेक्ट कर सकते हैं। देन आप यहां पर देख सकते हैं एक ऑडियो के लिए यहां पर स्पेस दिया गया है, यही है आपका टॉक बैक फीचर। इसे आप कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके घर में अगर कुछ भी होता है तो आप उसे सुन भी सकते हो, या और आप इसे रिटर्न, जैसे हमारे कॉल में रहता है रिटर्न कॉल रहता है, उस तरह से आप इसे यूज भी कर सकते हो। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज द अल्टीमेट कैमरा गाइज। तो यहां पर आपका MI लिखा गया है एंड दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द बिलो पार्ट। और जब मैं इसे टर्न करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं एक नॉच टाइप का दिया गया है जैसे मैंने कहा। तो आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं, आपको बस इसे फिक्स करना है एंड देन आप इसे हैंग कर सकते हैं अपने सीलिंग पे या फिर कहीं पर भी आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं इसे कैसे यूज करें और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है आप इसमें माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं। आप अपने कैमरे को हल्के से ऊपर कीजिए तो
आपको एक स्लॉट यहां पर दिखेगा एमआई का स्लॉट, यानी कि माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट। तो आप इसमें अप टू 64 GB तक माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। तो 64 GB का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड डाल दें, आपको क्लास 10 या फिर उससे ऊपर वाले जो माइक्रो एसडी कार्ड है वही आपको यूज करने हैं। तो अगर आप इसमें 64 GB का माइक्रो एसडी कार्ड डालते हो क्लास 10 का, तो बिलीव मी गाइज, अगर आप इसे दिन भर रिकॉर्डिंग करते हो 24x7, तो एटलीस्ट यह आपका 6 दिन तक आराम से रिकॉर्डिंग कर सकता है। सो दिस इज द कैमरा गाइस। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं। तो यह है इसका यूएसबी कॉर्ड, मैं इसके यूएसबी कॉर्ड को निकालता हूं और मैं इसे एक पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो सबसे पहले आप इसे इस तरह से कनेक्ट कीजिए नीचे, इसका जो कैमरा है मैं इसको बीच में ले आता हूं। तो अभी मैं इसे पावर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो आप मार्क करोगे एक एलईडी लाइट यहां पर ग्लो होगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा एलईडी लाइट ग्लो हो रहा है, यानी कि ये अभी ऑन हो रहा है कैमरा। इसके जो एलईडी लाइट्स है वो डिफरेंट कलर के ग्लो होते हैं, इसीलिए आप एक बार यूजर मैनुअल अच्छे से पढ़ ले कौन से लाइट का क्या मतलब है वो आप समझ जाओगे। ये ऑरेंज कलर का लाइट का मतलब है कि ये अभी रिस्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये घूमने लगा है। यह आपका 360 डिग्री रोटेट करेगा, उसके बाद आपका जो लेंस है लेंस भी आपका ऊपर नीचे होगा। तो मैं आपको इस तरह से पकड़ कर दिखा देता हूं। तो यू कैन सी गाइस द लेंस इज गोइंग अप एंड देन द लेंस इज कमिंग डाउन। तो ये जो ब्लू कलर का लाइट है जो ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी नेटवर्क ढूंढ रहा है। तो आपको अपने घर में एक वाईफाई कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी अगर आप इसे यूज करना चाहते हो। आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एमआई ऐप। मैं आपको वो दिखाता हूं। सो दिस इज द ऐप गाइस, एमआई होम ऐप। आप इसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप यहां पर ऐड डिवाइस क्लिक कीजिए। लेकिन उससे पहले जो घर का वाईफाई है वो मैं बंद कर देता हूं। फिर मैं यहां पर ऐड डिवाइस करता हूं, तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो ये जो आपका सिक्योरिटी कैमरा है उसका पॉपअप आ जाएगा। तो आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपके घर के वाईफाई का, क्योंकि अभी ये कनेक्ट हो चुका है इसके साथ, आपको एक अनदर राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे घर के वाईफाई को आपको कनेक्ट करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपको क्यूआर कोड के लिए स्कैन करने के लिए आएगा। तो आप अभी अपना क्यूआर कोड जो है वो स्कैन कर दीजिए इसके सामने। तो आपका QR कोड जो है वो स्कैन हो चुका है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है। तो अभी आपका ये हो गया, उसके बाद आप डन कीजिए। अगर आप कोई रूम ऐड करना चाहते हो तो आप कीजिए, मैं तो स्किप कर रहा हूँ। अपने डिवाइस का नाम आप सेट कर सकते हैं, मैं वो भी अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमारा जो वीडियो है वो आने लगा है। अभी आप अपने फोन में जो घर का वाईफाई है उसे क्लोज करके अपने फोन का नेट ऑन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप कहीं भी हो, अपने घर से बाहर चाहे कितने भी दूर हो, चाहे कोई दूसरे देश में क्यों ना हो, आप अपने घर में जो कुछ भी हो रहा है वो देख सकते हैं। अपने कैमरे को भी आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 4 एरो मार्क्स दिख रहे हैं, तो आप इसे इस तरह से यूज भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं अपने कैमरे को। तो देखिए आपका कैमरा भी घूम रहा होगा, अगर मैं राइट कर रहा हूं तो कैमरा राइट होगा। एक मिनट, तो एज यू कैन सी इट इज रोटेटिंग राइट नाउ। तो आप देख सकते हैं ये घूम रहा है, नीचे बटन दबाऊं तो नीचे होगा, ऊपर का बटन दबाऊंगा तो इट विल मूव अप। तो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल इट गाइज। तो जैसे मैंने कहा इसका जो इंफ्रारेड विजन है वो भी मैं आपको दिखा दूं। इसमें इनबिल्ट इंफ्रारेड रहता है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जब आपका लाइट चला जाएगा। तो देखिए मैं अभी अपना लाइट ऑफ कर रहा हूं एंड यू कैन सी इसका इंफ्रारेड ऑन हो चुका है और जो क्वालिटी है दैट इज वेरी 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 गुड गाइज, वेरी गुड। तो अभी आप देख सकते हैं कैमरे को, तो कैमरे में लाइट ऑन है, तो ये अभी लाइट ऑफ है, मतलब लाइट चला गया है, फिर भी आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग का क्वालिटी है दैट इज वेरी वेरी गुड। तो मैं अभी अपना लाइट ऑन कर रहा हूँ घर का,
तो ऑटोमेटिकली आपका ये फिर से कलर पकड़ लेगा, आ जाएगा। तो आपको इसके अगर डिफरेंट फीचर्स जानने हैं तो आप यहाँ पर जो डॉट है उसे क्लिक कीजिए, आपका कैमरा सेटिंग है वहाँ पर आप जाइए, स्टेटस लाइट का जो सिंबल है, ये जो सिंबल है अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑफ हो गया, मैं इसे फिर से दबाऊँ तो ये ऑन हो जाएगा, मिल गया, देखिए ये वापस ऑन हो गया। सिमिलरली आप बैक जाइए, बैक जाके आप होम मॉनिटरिंग ऑन कर दीजिए, इसे आप ऑन करोगे तो आपका मोशन डिटेक्शन जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी बाहर जाइए अगर कोई मूवमेंट होता है घर में तो आपको मोबाइल में पुश नोटिफिकेशन, जैसे आपका डिफरेंट ऐप्स के नोटिफिकेशन आते हैं वैसे आ जाएगा। तो आप इसे होम सर्वेलेंस पीरियड का 24 आवर सर्वेलेंस में डाल सकते हैं, यानी 24 घंटे ये आपका सर्वेलेंस में रहेगा। सिमिलरली आप इसमें मैनेज स्टोरेज कर सकते हैं, अगर आप एसडी कार्ड माइक्रो एसडी कार्ड डाले हो तो आप उस एच डी कार्ड को यहीं से ही फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके सारे रिकॉर्डिंग्स को आप यहीं से ही देख सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा टॉकबैक फीचर, उसे आप कैसे यूज करोगे, तो आपका यहाँ पर एक कॉल का बटन है, तो जब आप इसे दबाकर कुछ भी बोलोगे कहीं से भी तो इसके पीछे जो आपका ऑडियो का जो भाग है तो यहाँ से आपकी आवाज निकलेगी, तो आप कहीं से ही बैठ के अपने घर में बात कर सकते हो, या फिर अगर आप देख रहे हो अगर घर में कहीं कुछ बर्गलरी या फिर रॉबरी हो रही है तो आप वहीं से चिल्ला भी सकते हो, तो जो बर्गलर या रॉबर हो गए वो डर कर चले जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स गाइस। तो आप यहाँ पर प्लेबैक कर सकते हो, तो देखिए मैं जब प्लेबैक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग का आपका दिखा रहा है जब से शुरू हुआ है, तो आप इसे बैक कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली आप जब से शुरू हुआ है तब से रिकॉर्डिंग दिखाएगा। यहाँ पर आपका 1x 2x 4x और फिर 8 16x तक आप स्पीड से उसे कर सकते हैं फॉरवर्ड। तो मैं अभी इसे वापस नॉर्मल मोड में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका प्लेबैक है गाइज। तो प्लेबैक में आप जब क्लिक करोगे तो आज के दिन के हिसाब से किस समय रिकॉर्डिंग शुरू हुआ और कितना रिकॉर्डिंग है आपका वो सब भी आपका दिखाएगा यहाँ पर। सो दीज आर द थिंग गाइज। तो आप बहुत कुछ चीज़ें इसके साथ ऑपरेट कर सकते हो, तो दिस इज द अल्टीमेट कैमरा। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो गाइज तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके उसे क्लिक कीजिए और खरीद सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ जैसे मैं टॉकबैक फीचर का, सो दिस इज द बटन गाइज, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, जब आप इसे दबा कर रखोगे तो उसके बाद जब आप इसमें बोलोगे तो इसमें सुनाई देगा आपका। सो दिस इज द टॉकबैक फीचर। तो जैसे मैंने कहा, सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डालिए। मैंने बहुत से दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं मेरे चैनल में, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और इससे खरीदना अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए गाइज मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।